नमस्कार दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ केकेआर की शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। जीत के बाद केकेआर की टीम को पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आप आईपीएल 2023 में किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज आईपीएल 2023 का नौवां मुकाबला केके और आरसीबी की टीम के बीच खेला गया, जहां आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में फिर भी 204 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए और केकेआर की टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 68 रनों की पारी खेली और वहीं आरसीबी की टीम की तरफ से करण शर्मा और बिल्ली को 2-2 विकेट मिले और जवाब में 205 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। आरसीबी टीम का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाया और आरसीबी की टीम इस मुकाबले में आसानी से एक तरफा हार गई। तो चलिए नजर डालते हैं केकेआर की जीत के बाद आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। वहीं दोस्तों नंबर वन पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जो दो मुकाबले खेली और दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करके 4 अंक जीत कर चुकी है। और उसके बाद नंबर दो पर पंजाब किंग्स की टीम है, जो दो मुकाबले खेली और दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करके 4 अंक जीत कर चुकी है। और वहीं नंबर तीन पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ गई, जो दो मुकाबलों में एक मुकाबला जीती और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल कर चुकी है। और वहीं नंबर चार पर केकेआर की टीम आ गई है, जो दो मुकाबलों में एक मुकाबला जीती और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल कर चुकी है। और वहीं नंबर पांच पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जो दो मुकाबलों में एक मुकाबला जीती और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल कर चुकी है। और वहीं नंबर छह पर चेन्नई की टीम चली गई, जो अपने दो मुकाबलों में एक मुकाबला जीती और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल कर चुकी है। और वहीं आज की हार के बाद नंबर सात पर आरसीबी की टीम है, जो दो मुकाबलों में एक मुकाबला जीती और पॉइंट्स टेबल में भी 2 अंक है। और वहीं नंबर आठ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो दो मुकाबले खेली और दोनों मुकाबलों में हारी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। और नंबर नौ पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जो केवल एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में भी 0 अंक है। और वहीं नंबर दस पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जो एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में भी हार गई है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। तो दोस्तों इसी तरह की क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।